हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। इससे पहले हमने कंप्यूटर सब्जेक्ट से क्लास फोर्थ के लिए चैप्टर फोर तक हमने प्रैक्टिकल्स एमएस वर्ड के वीडियो बनाकर डाले हैं। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर अवश्य देखें। आज का हमारा चैप्टर फिफ्थ है, जिसमें हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू एमएस पावर पॉइंट 2010। तो बच्चों, इस वीडियो में आप जानेंगे स्टार्टिंग एमएस पावर पॉइंट, कंपोनेंट ऑफ एमएस पावर पॉइंट, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, क्रिएटिंग ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, सेविंग अ प्रेजेंटेशन, ओपन एंड एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन एंड लास्ट क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पावर पॉइंट स्टार्ट कहाँ से करते हैं। तो इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं और हम डेस्कटॉप पर आ चुके हैं। डेस्कटॉप पर आने के बाद सबसे पहले बच्चों हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे माउस की सहायता से। फिर नेक्स्ट हम ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद हम क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें आइकॉन दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। इस आइकॉन को हम क्लिक करें। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार के विंडो हमारे सामने खुलकर आ जाते हैं। अब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के कंपोनेंट्स को समझेंगे। सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर में ये बटन रहता है, क्विक एक्सेस टूल्स बार। जैसे ही बच्चों माउस ले जाकर हम उस बटन पर क्लिक करते हैं, उस ऑप्शंस के नाम लिखे हुए शो हो जाते हैं। क्विक एक्सेस टूल्स बार में वो बटन होते हैं जो हमें बार बार यूज करने होते हैं, जैसे कि आपके बटन्स हो जाते हैं न्यू, सेव, ओपन, अंडू, रीडू। ये सारे कमांड्स जो हैं क्विक एक्सेस टूल्स बार में रहते हैं। सबसे ऊपर की हेडिंग जो होती है उसे हम टाइटल बार कहते हैं। जिस नाम से आप फाइल सेव करते हो वो नाम यहाँ पर शो होने लगता है। अब हम जानेंगे रिबन, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये सारे जो बॉक्स होते हैं इन्हें हम रिबन्स कहते हैं। लेफ्ट कॉर्नर में फाइल ऑप्शंस आते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं, जहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, सेव किए हुए फाइल को ओपन कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं, और न्यू पेज लेना हो तो न्यू पर जाकर हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। वापस हम फाइल पर क्लिक करके वापस हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम जानेंगे स्लाइड पैन। ये बीच जो एरिया आपको दिख रहा है पेज टाइप का, इसे हम स्लाइड पैन कहते हैं, जहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, इमेज क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं, साउंड और वीडियो यहाँ से फॉर्मेटिंग करके हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं स्लाइड्स एंड आउटलाइन। स्लाइड्स में जितने भी स्लाइड्स यहाँ पर हम लिए होते हैं वो हमारे शो हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर वन स्लाइड्स देख रहे हैं, उसी प्रकार दूसरा विंडो अगर हम यहाँ पर खोलते हैं तो यहाँ पर देखिए ये थ्री स्लाइड्स शो हो रहे हैं। और आउटलाइंस में हमें छोटे छोटे स्लाइड्स के ऑप्शंस आउटलाइन के रूप में शो होते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे स्टेटस बार। नीचे की ये लाइनिंग आपको शो हो रही है, इसे हम स्टेटस बार कहते हैं, जिसमें हमें शो होता है हम कितने स्लाइड हमने बना रखे हैं, कौन से स्लाइड पर हम हैं। देखिए यहाँ तीसरी स्लाइड पर हम यहाँ पर क्लिक कर रखा है, करंट स्लाइड तीसरी पर है, तो वहाँ से हमें लिखा हुआ आ जाता है स्टेटस बार पर स्लाइड 3 of 3, यानी 3 स्लाइड्स पर हैं हम। उसके बाद आ जाता है नोट्स पैन, क्लिक एड नोट्स, यहाँ पर इसे हम नोट्स पैन कहते हैं, जहाँ पर हम करंट स्लाइड पर कुछ भी नोट्स हम बनाना चाहते हैं टू द पॉइंट लिखकर यहाँ पर हम रख सकते हैं। फिर लास्ट में हम आ जाते हैं व्यू बटन, ये हमारा व्यू बटन कहलाता है, नॉर्मल व्यू हो जाती है। नेक्स्ट आपका स्लाइड सॉर्टर, जिसमें आप कितने स्लाइड्स हैं आपके पास एक साथ शो हो जाते हैं। फिर आपका रीडिंग भी आ जाती है, यानी जो आप रीडिंग कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ से इसको हम क्लोज कर सकते हैं, और लास्ट हमारा स्लाइड शो आ जाता है, यानी स्लाइड शो पे आप कैसे स्लाइड जो आप बनाते हो इसे हम स्लाइड शो कहते हैं, स्लाइड शो में जाकर उसे हम देख सकते हैं।
अब हम जानेंगे क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन इन एमएस पावरपॉइंट 2010, यानी कि पावरपॉइंट में हम प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम फाइल ऑप्शन पर जाते हैं और फिर बच्चों ये न्यू पर क्लिक करते हैं। न्यू पर क्लिक करने के बाद ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करने के बाद यहाँ राइट कॉर्नर में ब्लैंक प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है और नीचे क्रिएट लिखा हुआ है। क्रिएट ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार के ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे सामने खुलकर आ जाता है। अब हम इंसर्ट न्यू स्लाइड, इसमें हम जितने भी स्लाइड लेंगे ये लेफ्ट कॉर्नर में हमारा शो होता जाता है। यहाँ न्यू स्लाइड है, इसके ऊपर से आप विभिन्न प्रकार के स्लाइड्स अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने दूसरी स्लाइड ली टाइटल स्लाइड, ये नीचे हमारा आ गया। उसी प्रकार तीसरी स्लाइड अगर हम सिर्फ टाइटल ओनली लेते हैं तो ये स्लाइड्स भी हमारा आ जाता है। मान लीजिए इसमें हमने लिख दिया क्लास फोर्थ, ये हमारा लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड ये हमने लिया है, यहाँ पर भी अगर हम मान ली कुछ लिखते हैं, हमने लिख दिया कंप्यूटर, और नेक्स्ट है हमारा ये फर्स्ट स्लाइड, यहाँ पर हमने लिख दिया वेलकम। हम कीबोर्ड की सहायता से इस पे कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं। अब जो हमने स्लाइड बनाया है इसको हम सेव करना चाहते हैं, तो ये हमारा प्रेजेंटेशन हो गया। प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए हम फाइल ऑप्शन पर जाएंगे और सेव ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे ही हम सेव ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ये हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। जिस नाम से हम फाइल को सेव करेंगे वहां पर हम फाइल नेम लिख सकते हैं, वेलकम क्लास फोर्थ, इस नाम से हम अपनी फाइल को सेव कर रहे हैं। नीचे हमारे पास सेव बटन है, उस पर हम क्लिक कर देंगे। ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। अब हम इसको क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ से जाएंगे और लास्ट कॉर्नर बटन पर जाकर क्लोज कर देंगे, तो वो फाइल हमारी क्लोज हो जाती है। अब वापस हम ओपन करके देखना चाहते हैं तो हम जो फाइल सेव कर चुके हैं बच्चों उस फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। तो फाइल पर जाकर हम ओपन पर क्लिक करेंगे और फाइल नेम के जगह पर हम अपनी फाइल लिखेंगे। हमने लिखा था यहाँ पर वेलकम क्लास फोर, ये आपका नाम नीचे हाईलाइट हो जाता है, उस पर क्लिक करेंगे और ओपन कर दें। देखिए जैसे ही ओपन करते हैं ये फाइल हमारी खुल जाती है। जिस स्लाइड पर हम क्लिक करते हैं सामने हमारा ये मेन स्लाइड प्रीव्यू दिख जाता है। अब हम ओपन करने के बाद जानेंगे कि पावर पॉइंट से बाहर कैसे आते हैं। वापस हम फाइल पर जाएंगे और एग्जिट ऑप्शन के द्वारा हम फाइल पर बाहर आने के लिए क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं डेस्कटॉप पर पहुंच जाते हैं। वापस हम पावर पॉइंट खोलना चाहते हैं तो वापस हम पावर पॉइंट को खोल लेते हैं, पावर पॉइंट, एंड हमने वेलकम क्लास फोर्थ के नाम से फाइल को सेव किया था। इस फाइल को वापस हम खोल चुके हैं और अब इसके हम स्लाइड शो देखना चाहते हैं। यहाँ स्लाइड शो ऑप्शन आप ऊपर में देख रहे हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे और स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं। तो लेफ्ट में हम देखते हैं फ्रॉम बिगनर और फ्रॉम करेंट स्लाइड। स्टार्टिंग से देखने के लिए हमें फ्रॉम बिगनर करना होगा और किसी खास स्लाइड को आप देखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके हम करेंट स्लाइड कर सकते हैं। चूंकि बच्चों हम स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो हमने स्टार्टिंग पर क्लिक किया वेलकम, फिर माउस को क्लिक किया, नेक्स्ट स्लाइड हमारा आ गया कंप्यूटर, फिर हम माउस को क्लिक किए, थर्ड स्लाइड में हमने क्या लिखा था क्लास फोर्थ, तो ये क्लास फोर्थ आ गया। वापस हम क्लिक करेंगे तो हम वापस डेस्कटॉप पर एमएस पावर पॉइंट के डेस्कटॉप पर पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।